सो यू व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिक्स लेजेंड मोबाइल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एपिक्स लेजेंड मोबाइल का थर्ड बीटा जो है वो लॉन्च हो चुका है, और इंडिया में बहुत सारे आदमी वीपीएन लगा के खेल रहा है। और इवन मैंने भी खेला एपिक्स लेजेंड मोबाइल को वीपीएन लगा के, और मैं उसी के बारे में आपको शेयर करने वाला हूँ कि एपिक्स लेजेंड मोबाइल कैसा है और क्या ग्लिचेस और क्या बग है उसमें, और उसका जो गेम प्ले है कैसा है, और जो लाइक पबजी को बीट कर सकता है या नहीं, या फिर आने वाले समय में इसका क्रेज़ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जो मेरे हिसाब से जो थिंकिंग है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि क्या बग है, सबसे पहले तो मैं उसकी बात करता हूँ। तो जो बग है वो मेरे को नज़र आया है जो कैरेक्टर को लेके, कभी कभार जो कैरेक्टर है मैं ज़्यादा स्पीड चलता हूँ। वो एक कैरेक्टर है, मैं कैरेक्टर का नाम तो नहीं पता है मेरे को, लेकिन वो कैरेक्टर को एक एबिलिटी है। जैसे कि आप लोग को पता होगा सब कैरेक्टर का एक एबिलिटी रहता है, वो कैरेक्टर का भी एक एबिलिटी है, जो कि एबिलिटी का भी नाम नहीं पता क्योंकि मैंने सिर्फ ये गेम को एक दो बार ही खेला और उसमें मेरे को सब कुछ कवर करने का था। तो कैरेक्टर जब मैं ज़्यादा स्पीड चलता हूँ, वो कैरेक्टर जब ज़्यादा स्पीड चलता है तो ग्लिच हो जाता है कैरेक्टर, अपने आप कैरेक्टर लेट जाता है नीचे, या फिर और भी ग्लिच हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इधर मैं स्पीड चल रहा हूँ तो इधर कैरेक्टर ग्लिच हो चुका है। तो ये चीज़ मेरे को नोटिस हुआ है। और जैसे कि आप लोगों ने भाई जो खेला होगा वो नोटिस किया होगा कि मैप में कोई कार नहीं है, क्या मैप छोटा है या फिर दूसरा कुछ, लेकिन मैप में कोई कार नहीं है। मेरे हिसाब से एपिक्स लेजेंड को कार देना चाहिए था, अच्छा लगता है भाई, क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा सुंदर है और एक कार भी रहता है भाई, एक कैटेगरी के कार लगभग देना चाहिए था, क्योंकि मैप बहुत ही ज़्यादा सुंदर मैप है। और जो एक और मैंने चीज़ जो नोटिस की है वो स्कोप से इशू है मेरे को। जे कभी कभार जब मैं स्कोप फास्ट ओपन करता हूँ और फास्ट जब बंद करता हूँ तो वो स्कोप ग्लिच हो जाता है, तो वो ग्लिचेज है, थोड़े बहुत ग्लिचेज है इसमें। जैसे कि ये थर्ड बीटा है और अभी फ़िलहाल तो लॉन्च नहीं होगा ये गेम, अभी 2-3 महीने लगेंगे इसको फिक्स करने के लिए। और एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है, जैसे कि आप स्लाइड करते और स्लाइड करते करते आप कहीं से जंप कर देते हो तो वो आपका जो कैरेक्टर है वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो ये चीज़ है, जो कैरेक्टर ज़मीन पे गिरता है वो एनिमेशन है बहुत ख़राब है, वो सही नहीं लगा मेरे को। और जो ये जो मेरे पास जो एक कैरेक्टर है कैसा वो चलता है वो मेरे को सही नहीं लगा। ये छोटी छोटी चीज़ है, जैसे कि जब मैंने TPP थर्ड पर्सन व्यू में जब मैं खेलता हूँ तो गन का जो एनिमेशन है वो अलग रहता है, जब मैं फर्स्ट पर्सन करता हूँ वो गन का एनिमेशन है वो अलग रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो एपिक्स लेजेंड को सही करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है और मैं तो प्रीफर करूँगा भाई सब एक बार खेल के देख लो, जिसको मोबाइल में नहीं चल रहा वो वेट कर ले और एक बार सब खेल के देख सकते हैं कि बहुत एपिक गेम है भाई, एपिक गेम है, बहुत ही ज़्यादा एपिक गेम है। और अगर कुछ और बात की जाए तो मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर एपिक्स लेजेंड मोबाइल में अगर आप ये करते हो, जैसे आप हवा में उड़ के कहीं अननोन जगह में चले जाते हो, मीन्स बिल्डिंग के टॉप पर जहाँ आप जा नहीं सकते उधर आप हवा में उड़ के चले जाते हो, तो एक मैसेज शो होता है, जैसे कि इधर आप देख सकते हो, इधर मेरे को एक मैसेज शो होता है, रिटर्न टू बैटल इन 26 या 25 सेकेंड, ऐसे ही रहता है। तो ये चीज़ होता है, ये मेरे को सही नहीं लगा क्योंकि मैं तो बिल्डिंग का ऊपर ही हूँ, बैटल से बाहर तो गया नहीं हूँ, और जो गेट से या फिर मेरे पिन के वजह से ये होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि गेट से कभी कभार ओपन ही नहीं होते भाई, ओपन ही नहीं होते, और कभी कभार कोई दूसरा ही चीज़ मेरे से क्लिक हो जाता है। ये शायद मेरा वीपीएन प्रॉब्लम होगा इसी वजह से। और जहाँ तक मेरे को पता है बहुत ज़्यादा एपिक गेम है ये और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको खेल के। यही था इस वीडियो के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।